Thank you.
कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री नीरज नैयर जी आए असा जो बड़ी खुशी की गल है कि इस विधानसभा उस अंदर अस मतलब कि इन्होंने जो भारी वोटा कने जीता भारी गरीब लोगों का काम एक कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, बाकी कोई ऐसी पार्टी नहीं है। तो मैं इनकी तरफ से और अपने ग्रामवासियों की तरफ से इनका धन्यवाद करना कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी नीरज नैयर नीरज नैयर और कोई ग्राम बोलो 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 ए आइए तुसी बोलो। सम्मानित मंच गल है कि इन्ने सारे लोग इन फिर मैं कुसे रा ना भूली जा कई प्रधान इन इत्थे बैठे ने अलग पंचायतां दे इस वास्ते मैं डरदा ना जाने का जिस तरह भूली गया से कई बार फिर नाराज हो जाते कि ना नहीं लेते। मैं इस बार परिवार के सारे मेरे पिता जी के टाइम के सारे परिवारिक सदस्य हैं, बाकी सम्मानित सारे लोग हमारे पलियूर के प्रधान भी नजर आ रहे हैं, उप प्रधान भी पलियूर के नजर आ रहे हैं, यहाँ काकू जी बाकी जे मैं भूली गया गुजेरा से वार्ड मेंबर भी नजर आया करता है पीछे, बाकी जड़ी जड़े भी गागला पंचायत दे हमारे कोई वार्ड मेंबर हैं जड़े प्रबुद्ध नागरिक हैं। मैं सारे का बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहता कि अज तुसी इस मीटिंग घरे घरे गया तो घरे कोई मिलया ही नहीं, फिर असि खेतरों खेतर ही आए सारी जगह टपदे टपदे सारे घरे वाले कोई कुकड़ी दिए बड़े करते कोई गा दिए किट्ठे करे करते अजकल बरखा भी कुटा में है तुम्हारे इतने तो मैं काफी बारी आई गया इसी प्रांगण अंदर मेरे ख्याल मेरी चौथी मीटिंग है पड़ी हुई ये हेमराज का घर है। एक चीज बोलना चाहता कि पिछले 15 साल का चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर भाजपा का विधायक है, कितने साल का राम भगवान जी तो 14 साल का बनवास होया थी चंबे अंदर कांग्रेस जो तोड़ी दियो इस बारी जड़ा है इस बनवास जो तोड़ी दियो उइया भी मैं बोलता 15-15 साल एक ही आदमी जो एक ही पार्टी जो देना उइया भी अच्छा नहीं होता ता तो उन्होंने जो ये लगता कि असी तो जीतना ही जीतना है हमारा कोई कुछ कर ही नहीं सकता तो भाजपा ने कुछ कमाया नहीं कोई कम पिछले 15 साल अंदर होया ही नहीं। मैं तो समझो एक गारंटी करे बोली सकता कि 15 साल जड़े भाजपा के इतने विधायक रहे हैं मैं ग्रां ग्रां जाए करता कई जगह मिंजो उन्होंने पता ही नहीं लगता भाई मैं भी नैयर लाता तो दूजा वाला भी नैयर है मैं हाथा वाला नैयर है से फुल वाला नैयर है पहले से भी हाथा वाला दिया हुआ। मैं बस एक रिक्वेस्ट करता हाथ जोड़ी के कि पिछली बारी भी मिंजो स्पेशली इस बूथ का मिंजो बड़े अच्छे वोट मैं ये किया तो सन झूठ बोल बड़े अच्छे वोट पे जानदी पंचायत का मिंजो बड़े अच्छे वोट पे बहुत अच्छे वोट पड़े। वो मेरी किस्मत खराब थी कि मैं हार गया, आप लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं फिर एक बारी हाथ जोड़ी के मैं बोलना चाहता कि मिंजो एक बारी मौका दो। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे का कोई जादू की छड़ी है कोई चमत्कार है कि मैं सब कुछ करी सकता, पर मैं एक चीज जरूर करी सकता जड़ा आदमी मेरे घरे काम करने वास्ते काम कराने वास्ते आंगा कोई अपनी डिमांड लेके आंगा कोई मेरा यूथ का साथी है तो मेरे का आंगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका टेलीफोन भी करूँ उसका काम कराने के लिए पूरा प्रयत्न करूँ कई का पर एक गल है मैं एक चीज़ जानता मैं बड़े सच्चे दिल कने काम करने की कोशिश करता और जितने सच्चाई कने कोशिश होंगी उतने तक खुदा भी चुकता
ऐसी कहावतें जड़ी हैं पुरानी बने दी हैं। हवा नहीं है, मैं तो बोलता आंधी है चले दी, आंधी। तो इस बारी भाजपा जो मतलब 68 सीटा है, 68 सीटा भाजपा 68 सीटा अंदर, ये 20 सीटा अंदर भी पूरी जाएंगी तो चमत्कार होगा। डबल डिजिट अंदर नहीं पूछनी। कारण क्या है? कारण यह है महंगाई, कबर तोड़ महंगाई। चंबे इलाके की मैं गल करा तो मैं सोचता पिछले 15 साल का इससे भाजपा का विधायक रहा, कोई भी काम जड़ा है चज का इस इलाके अंदर पिछले 15 साल अंदर। मैं तुम एक चीज बड़े गर्व कने बोली सकता कि जहां कांग्रेस की सरकार थी 126 वोटा का रही गए, उस बारी तो इंदिरा गांधी जी से बिहार थी एमरजेंसी वाली, तो सारे कांग्रेसी साफ हो गए। 10 टर्म तो इन्हें चली गए, 2 टर्म उन्होंने जो मिले, 2 टर्म अंदर उन्होंने बेहतरीन काम किए। तुम्हारा चंबे का, तुम्हारा चंबे अंदर शहर अंदर पीने का पानी नहीं होता दिया, तो मल्ले अंदर लोगों जो पुरानी गल है, उसके बाद उस स्कीम के बाद चंबा शहर अंदर अभी भी 40 साल तक मैं नवोदय विद्यालय लेके आए वैसे सरवाल है चले करता तुसा का डाइट शुरू जितने जेबीटी के बच्चे जड़े शिक्षा ले करते डाइट जड़ा है चंबे लेके आए, बड़ा बड़ा काम किया अपने टाइम बड़ा बड़ा काम किया। इरावती लेके आए, उसके बाद तुम्हारी सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट पहले सिर्फ सब जज की कोर्ट होती थी चंबे, सेशन कोर्ट जड़ी है चंबे डिस्ट्रिक्ट अंदर लेके आए, ये उस टाइम का बड़ा बड़ा काम किया। टीवी नवा नवा शुरू होया थी, अभी भी बच्चे थे, मैं मोटे काम बोले करता है उस टाइम के जड़े उन्होंने किए। उसके बाद 15 साल कांग्रेस का निशान, ठीक है ना, तो जड़े भी कम हुए वो कांग्रेस पार्टी ने किए, ठीक है, कांग्रेस पार्टी की देन रही। 25 साल लगातार चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर कांग्रेस का राज रहा, 10 साल मेरे पिताजी, 15 साल मान साहब रहे कांग्रेस के राज हुए, किन्ने 25 साल, और जड़े कम हुए से इन्हीं 25 साल अंदर हुए। मैं बोलना चाहता बाकी कुनी क्या कीते आ किजो गए क्या होया, असी उस चीजा अंदर नहीं पूना है, ना असी कुछ चीज उस खिलाफ बोलना, असी अपना काम करना है, असी पार्टी कने खड़े हैं, पार्टी कने खड़े रहना है और काम करना है, और हाथ का जो निशान है चिन्ह है वो सबसे बड़ा है। काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, काम किया है काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। और मैं वो गरीब आदमी की पार्टी है, मैं एक बार पार्लियामेंट की इलेक्शन लगी थी, यहाँ से पवन काजल जी खड़े हुए, वो भी अब भाजपा में चले गए, वो यहाँ से खड़े हुए थे, तो मैं किसी इलाके अंदर मैं वोट मांगने वास्ते गया, तो उतने बड़ी सारी महिलाएं जो थी वो मेरे साथ, उनकी मुलाकात हुई और मैं वोट थी या मंगे करता उन्हें का, तो कुछ उन्हें अंदर उत्तेजित होगी, गुस्से होगी, बोलना लगी तुम गलत इन बोले करते, मोदी जी ने हमारे जो चूल्हा देते हैं, हमारे जो ये देते हैं वो देते हैं, जो बड़ा बुरा लग्या मिले तो काम कुछ ठीक नहीं है लगे करता मिले, तो लेडीज तो सारी एक पास बोले करती, तो मुझे ये ध्यान आया उस जगह अंदर ना जितने से जगह में ले। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी ने से कानून बनाया दिया, जो जहाँ बोएगा वो जमीन जो है उसी की हो जाएगी, तो मैं उतने भाषण अंदर बोले मिले बहन जी जितने तुम ये भाषण जितने तुम इस जगह अंदर बैठे थे ना ये सारी जगह मिले हमारी थी, तो मैंने इंदिरा गांधी ने हमारी जगह खुशी के तुसने जो देखने होए करते पहले भूली गए, ये जो चीज है ये किसने दिया था आपको हक, ये इंदिरा गांधी जी ने दिया था, बड़ी बड़ी गल थी उस टाइम भी, लोग भूली जाते ना, अबे पुरानी गल है, कांग्रेस पार्टी का इस देश को बनाने अंदर बड़ा बड़ा योगदान है। आज तुम्हारे प्रधान जी इतने बैठे थे, दूजा प्रधान है इतने बैठे था, उप प्रधान इन तुम्हारे मेंबर इन बैठे थे, ये जो पंचायती राज एक्ट है कौन लेके आया, राजीव गांधी जी लेके आए, मेरी गाल सुनो मनरेगा स्कीम कौन लेके आया, मेरी गाल सुनो मनमोहन सिंह जी लेके आए। मैं तुसों का पूछना चाहता जे मनरेगा अज स्कीम नहीं होंगी तो प्रधान ने क्या कमाना थी, वार्ड मेंबर ने क्या कमाना थी, तुसी आपू सोचो, और इनेरी कोशिश है कि इस मनरेगा स्कीम जो हुई है बंद ही हो जाए,
ये मेरा बस चलिया ना तो इन्होंने ये स्कीम ही बंद करी छड़नी। समझ आया करता अबे पिछले हफ्ते मोदी जी की रैली में दिखी आदरणीय प्रधानमंत्री जी चंबे दिए आए थे तो भाषण था वो बड़ा अच्छा दें असी नहीं उन्हेरा मुकाबला भाषण अंदर करी सकते बड़ा अच्छा उन्होंने चंबा का रुमाल चंबा का थाल चंबा की चप्पल चंबा की चुख चंबा का मदरा पूरा पूरा पहले जब मैं भी भाषण सुनता दिया तो मैं प्रभावित होता दिया मुझे भी लगता दिया यार मनु बड़ा जबरदस्त है बड़ा अच्छा भाषण देता क्या पता कोई चमत्कार होना सारे बंदे ठगी जाते कई बार पर अवे इस बार जहाँ मैं ये भाषण सुनया ना तो मुझे थोड़ा चुभया कि जो कि बार बार एक ही चीज बोलना पर धरातल पर जहाँ कोई चीज नजर ना आए ना आखिरी बंदा बोलते नहीं ये तो ठगे कर दे अभी बुरा लगने लगे जड़ी जड़ी चीजें उन्हेरी पहले बड़ी अच्छी लगती थी ना सुनने में अबे बुरा लगने लगे और आंधे टाइम अंदर होर बुरा ही लगना शुरू हो जाने ये जो ये जड़ा बोलिया से कितने नहीं 2 करोड़ नौकरियां वास्ते बोलिया थी साल अंदर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार छीन लिए और महंगाई आप देखो आप गैस का सिलेंडर देखो क्या रेट हो गया क्या कांग्रेस के टाइम में था और क्या भाजपा के टाइम में हमारे टाइम अंदर जे 10-25 पैसे भी पेट्रोल दे डीजल का रेट बदा दिया थे सारे हड़ताल कर देते सड़क पर भेज जाते थे अवे सीधे 10-10 रुपए बदे करता तो कोई पूछ मांग नहीं है तो मेरा बोलने का मतलब है कि आप लोगों के पास एक सुनहरी मौका है इस बार कांग्रेस के पक्ष में आप भारी भारी जो है मतदान करो और हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बने और हिमाचल प्रदेश जो है एक बेशक छोटा सा प्रदेश है लेकिन एक बहुत शिक्षित प्रदेश है वहाँ यहाँ जो शिक्षा के क्षेत्र में जो हिमाचल है अव्वल नंबर पर है पूरा हिंदुस्तान के अंदर। आओ मेरे भाइयों बहनों बुजुर्ग साथियों यूथ के साथियों आओ आज हम एक यहाँ से प्रण ले कि हिमाचल के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार बनाएंगे चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कांग्रेस का विधायक लेके आएंगे और इस छोटे से प्रदेश से जो है कांग्रेस की जो है वापसी की जो शुरुआत है वो हमारे प्रदेश से शुरू हो हमारे प्रदेश से शुरू हो यहाँ से जो कांग्रेस की हवा है वो हिंदुस्तान के अंदर आने वाले वक्त के अंदर जो है वो छाएगी और कांग्रेस जो है अपनी वापसी जो है क्योंकि ये जो गैस का मुद्दा है पेट्रोल का मुद्दा है कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट्स हैं और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो प्रदेश सरकार के। अब महंगाई क्यों इतनी ज़्यादा होगी राजा वीरभद्र सिंह जी जब हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री होते थे तो 250-300 करोड़ रुपए की सब्सिडी होती थी डिपुओं के राशन पे। ऐसे थोड़ी था कि डिपो में राशन सस्ता था और दुकानों में महंगा था। क्यों ये फर्क था? क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह जी डिपुओं को सब्सिडी देते थे ताकि जो गरीब तबका है कम से कम वो भरपेट रोटी तो खा सके। तो ये राजा वीरभद्र सिंह जी ऐसा करते थे इसलिए जो है डिपो के अंदर जो कीमतें बहुत कम होती थी और मार्केट के अंदर कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि सब्सिडी दी जाती थी। इस सरकार ने तो बस बैग पे ही जो राशन के बैग हैं उन पे अपनी फोटोएं लगा देते हैं बाकी कुछ हकीकत में धरातल में कोई चीज़ है नहीं। और जहाँ तक मैं चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूँ तो पिछले 5 साल जो चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भाजपा के विधायक रहे हैं एक तो भाजपा के विधायक थे बीके चौहान जी। चलो अगर उन्होंने किसी का कुछ किया नहीं तो उन्होंने किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया। और ये जो हाल के जो हमारे भाजपा के विधायक हैं इन्होंने एक तो कुछ किया नहीं और बिगाड़ने में कोई किसी की कोई कसर नहीं छोड़ी। नीरज नैयर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी। आज भी मुझे लोगों के फोन आ रहे हैं जो कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं धमकियां दे रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कम से कम मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैं पिछली बार भी वोट मांगने के लिए आया और मैं इस बार भी वोट मांगने के लिए आया हूँ। आप लोग आदमी देखो आप लोग पार्टी देखो वोट डालना जो है आपका हक है। मैं आपको ये नहीं बोल सकता जबरदस्ती कि आप मेरे को वोट डालो कांग्रेस पार्टी को। मैं कांग्रेस पार्टी ने ये किया पीछे वो किया पर मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि आपका कोई रिश्तेदार सरकारी नौकर लगा हुआ है मैं चुक्की के मैं शिमले भेजी दा ना। मैं ऐसे धमका नहीं सकता।
मैं तेरे मुंडे जो दिखी डाला मैं ये करी डाला। ये राजनीति जो है अब लोगों के पास समर्थ नहीं होता था तो इस टाइप की राजनीति जो है वो कामयाब होती थी। ये जो भारी जन समूह जो आपने मेरे नॉमिनेशन पेपर के अंदर देखा, मैं विधायक जी को बोलना चाहता हूँ, ये भारी जन समूह जो है ये 5 साल मेरी गांव वालों के साथ मिलकर बदल दो लोगों की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को। मैं जो चंबा के हमारे विधायक हैं मैं उनको एक चला गया, अगर आपके साथ कोई नहीं चल रहा है तो झुक के उससे बात करो, जबरदस्ती अगर उससे काम करोगे और डराने धमकाने का काम करोगे तो कोई काम बनने वाला नहीं है। आजकल अगर मैं भी कल को विधायक बन गया, मैं भी जीत गया तो मैं क्या कर लूंगा, क्या कर सकता हूं? मैं आज आपके बीच में आया हूं, अपनी फसल उगाते हो, खुद कमाते हो, खुद खाते हो, ठीक है आपकी मैं मदद कर सकता हूं, कभी कोई नुकसान हो जाए कुछ हो जाए, लेकिन आम आदमी जो है राजनीतिक कांग्रेस पार्टी ने एक स्कीम चालू की है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार 10 जो है गारंटियां जो है कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो सबसे पहली चीज जो कांग्रेस पार्टी करेगी, जो पहली कैबिनेट मीटिंग जो कांग्रेस की बैठेगी प्रदेश के अंदर, उसके अंदर सबसे पहले जो ओपीएस है ओल्ड पेंशन स्कीम, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं जो नए एम्प्लॉयज सरकार के अंदर लगेंगे उनकी पेंशनें बंद हो गई थी, तो कांग्रेस ने ये फैसला लिया है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको जो है चालू किया जाएगा सबसे पहली गारंटी। दूसरी गारंटी ये है कि 1500 रुपये हर महिला को जो 18 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक की है उसको 1500 रुपये महीना जो है वो दिया जाएगा। कांग्रेस ने अगर घर में एक है तो एक, घर में दो है तो दो, घर में तीन है तो तीन, घर में चार है तो चार, क्या समझे, ये महीने की है। और पर इसका आपको समझना पड़ेगा, अगर वो एमबीट के अंदर कानून के हिसाब से आ गया उसको जो है 1500 रुपये महीना जो है कांग्रेस पार्टी जो है लगाएगी 5 साल जब तक हमारी सरकार है, और अगर आगे भी आती रही तो वो कंटिन्यू रहेगी। और दूसरी और जो तीसरी बड़ी बात है, 5 लाख जो युवा हैं उनको जो है रोजगार दिया जाएगा, चाहे वो आउटसोर्स के थ्रू हो, जो हमारे हेलो 5 लाख जो युवाओं को जो है रोजगार जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी देगी अगर हमारी सरकार बनती है। वो रोजगार कैसे दिए जाएंगे, सबसे पहले तो जो सरकारी रिक्त खाली पड़े पद हैं उनको भरा जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, जो आउटसोर्स की नौकरियां हैं वो दी जाएंगी, और जो आउटसोर्स की पॉलिसी है उसके अंदर बदलाव किया जाएगा, यानी कि आउटसोर्स की नौकरियों में आजकल पहले ठेकेदार रखे जाते हैं और उनके थ्रू जो है नौकरियां दी जाती है, तो ठेकेदार जी को हटाया जाएगा और जो आउटसोर्स की नौकरियां डायरेक्टली जो गवर्नमेंट के अंदर जो है दी जाएंगी, एक ये है कांग्रेस की बात। और कांग्रेस ने बोला है कि 300 यूनिट जो बिजली है, 300 यूनिट तक की जो बिजली है वो मुफ्त में दी जाएगी, ये कांग्रेस पार्टी की एक और गारंटी है 300 यूनिट तक। और एक गारंटी जो कांग्रेस ने और दी है वो है कि जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, कोई अपना काम करना चाहते हैं, कोई ढाबा खोलना चाहता है, कोई मिस्त्री की दुकान खोलना चाहता है, तो 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड जो है कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है जैसे ही सरकार बनेगी। 10 करोड़ रुपया पर विधानसभा जो है कांग्रेस पार्टी 10 करोड़ रुपए पर विधानसभा के क्षेत्र जो है वो देगी, ब्याज मुक्त ऋण दिया, तो 5 साल बाद भी आपको 1 लाख रुपया ही वापस करना पड़ेगा। उसके साथ जो 13-14% जो ब्याज है वो कांग्रेस जो है माफ कर देगी, बहुत बड़ी बात है। यहाँ मैंने देखा है लोग तो महीने का 2-2, 3-3%, 5-5% पर पैसा उठाते हैं काम के लिए, तो बिना ब्याज के जो पैसा जो है वो मुहैया कराया जाएगा। कि ये तो मैंने 5 मुख्य गारंटी जो है मैंने मुख्य चीजें जो है मैंने आपके सामने रखी है, बाकी ये कागज लेके हम आए हैं आप सब लोग पढ़े। ये गवर्नमेंट खोलेगी, ये भी एक जो है गारंटी है सरकार की, कांग्रेस सरकार की। बाकी
जो हमारा हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके बारे में भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मेरे पास अब इलेक्शन से पहले शायद आपके बीच में आने का दोबारा अभी इतनी जल्दी मौका ना मिले, हमारे हेमराज जी प्रधान बैठे हैं यहाँ, मैं इनका नाम लेना भूल गया, नजर नहीं पड़ी, और बाकी रिंकू आने पर बहुत तहे दिल से जो है धन्यवाद करता हूँ। मंत्री बाकी अभी यहाँ ज्वाइनिंग करवानी है कोई मैं बग्गू मंत्री जी का भाजपा से कांग्रेस परिवार पर आने का आप पर बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आप कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो, जो भी आपकी आशाएं मेरे से हैं मैं वो पूर्ण कर सकूं। धन्यवाद। हमारे रमेश जी हैं, ये बीडीसी हैं, सिंगी और ओड़ा पंचायत से, इनकी जो मिसेज हैं वो भी वार्ड मेंबर हैं, खुद ये बीडीसी हैं, और ये भाजपा परिवार से जो है कांग्रेस में जो है शामिल हो रहे हैं, और बहुत पुराने जो है भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं। तो आप सोचो कि भारतीय जनता पार्टी की क्या दशा है और क्या दिशा है। और वैसे तो मैंने इनकी ज्वाइनिंग करवा दी है, लेकिन ये दो शब्द जो है आपके बीच में, लोगों को धन्यवाद करता हूँ, इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ इकट्ठे हुए, और हमारे बीच में हमारे नियर जी और प्रधान उप प्रधान व वार्ड मेंबर सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों को ये देखना है अब कि हमारी सरकार जो है वो भी बनानी है, हमारे प्रत्याशी जी को भी जिताना है, फिर जाके हमारा ये जो काम चलेगा, एक जुट होके हम लोगों को ये लड़ाई जो है वो लड़नी है। बस धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आ गया भाई आ गया, नीरज भाई आ गया, आ गया भाई आ गया, नीरज भाई आ गया, आ गया भाई आ गया, नीरज भाई आ गया, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद।
बात कर दो। पहले माता का जयकारा बोलेंगे, बोलो माता बना गई की जय। माता ने हमें ऐसा लेट दिया है, अपनी बोल लिया। हम नीरज नीर विधानसभा चंबो के क्षेत्र से ग्राम पंचायत गागड़ा जांगी कुठेड़ में हाने का भारी स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इन्हें भारी को मुझसे जिताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम गरीबों का मसला हल हो सके। धन्यवाद। इसके बाद इब्राहिम बोलेंगे। पाती नहीं कभी कागज के फूलों से खुशबू, आती नहीं कभी कागज के फूलों से सच्चाई, छुपती नहीं कभी बनावट के असूलों से। आप लोगों को मैं आप सारे का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि टाइम कम है, बहुत लंबा चक्कर है ये। मैं अपने नीरज भाई जी का धन्यवाद करता हूं जो कि हमारी कुठेड़ पंचायत में आने का इन्होंने कष्ट किया। और नीरज भाई जी आप ये ख्याल रखें कि इस बार कुठेड़ गागड़ा जांगी पंचायत के 95% वोट आपकी झोली में पड़े। आपको ये पूरा मालूम कि 2014 के अंदर आप लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में बनी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों के साथ और हम लोगों के साथ पूरे भारतवासियों के साथ ये वादा किया था कि मैं 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। 9 साल का समय बीत गया, अभी तक 9 करोड़, 2 करोड़ तो कहा मगर 200 नौकरी भी नहीं दे पाया। अब हमारी हिमाचल सरकार आप लोगों के सहयोग से अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में 1 लाख नौकरी का वादा किया कांग्रेस पार्टी ने। काम किया है, काम करती है, कांग्रेस पार्टी झूठे वायदे नहीं करती है। रहा सवाल पेंशन का, जो हमारे कर्मचारी भाइयों की पेंशन बंद की हुई है 2002 में श्री प्रेम कुमार धूमल के टाइम पर बंद हुई थी, उस पेंशन को बहाल करने का भी कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि इसको भी बहाल कर दिया जाएगा। सबकी सब नौकरियां मिलाकर आने वाले 5 सालों में आपके सहयोग से अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो सब मिलाकर तकरीबन 4-5 लाख युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। मेरे दोस्तों, ये सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी पूरा कर सकती है और कोई नहीं कर सकती। आपको मालूम है कि जिस वक्त पीछे ये इलेक्शन हुए थे तो ये अपने सिलेंडर गैस जो था ये सिर्फ कितने का भरा जाता था, 300 रुपए में, 350 रुपए में। आज वही सिलेंडर गैस जो है वो 1200 के करीब पहुंच चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव में जाती है मगर वो मेन मुद्दा क्या बता रही है, अब किस मतलब मुद्दे को लेकर वोट मांग रही है। उनको शर्म होना चाहिए, अब उनको घर में बैठना चाहिए। अब कांग्रेस की बारी है, कांग्रेस की सरकार बनाओ, आप अपना खुश, अपने देश को खुशहाल बनाओ, अपने हिमाचल प्रदेश को खुशहाल बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने ये लफ्ज खत्म करना चाहता हूँ। जय। भाई पंचायत का कोई आदरणीय श्री नीरज नैयर जी जो कि हमारे चंबा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और इस बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पहले भी हमारे दो महीने पहले हमारे पंचायत में आके गए हुए, हमारी पंचायत की परिस्थिति को भांपा है इन्होंने बड़े अच्छे तरीके, कितनी हार्डजोफरी गली पोजिशन है यहाँ पे। और ये यहाँ सारे कुठेड़ के युवा बैठे हुए हैं, बुजुर्ग है, तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपना मतदान का प्रयोग सोच समझ के करें, मतदान का प्रयोग उसी इंसान को करें जो हमारी बात को विधानसभा में रख सके। बहुत ज़्यादा आने हैं यहाँ पे, सभी ने वोट मांगना, पर आप कम से कम ये देख लेना कि हमारा हमारी आवाज़ को जो है वो विधानसभा क्षेत्र में, हमारी विधानसभा क्षेत्र की आवाज़ को संसद और विधानसभा में कौन पहुँचाएगा।
आज हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करने को, जैसे ये रोड की कनेक्टिविटी है, पार्क हो, एजुकेशन फैसिलिटी है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल जीरो है। अभी 2-3 महीने पहले उद्घाटन हुआ था, मुझे नहीं लगता एक फोर्थ क्लास और एक डॉक्टरी है यहाँ पे, यही है ना, यहाँ पे फोर्थ ही है ना, एक डॉक्टर है। तो अपने मतदान का प्रयोग उस इंसान को करे जो हमारी आवाज को सीधा विधानसभा में रखने की बात करे, और भाई पढ़े लिखे हैं, एक्सपीरियंसड है, ये हमारी बात को, हम इनके दरवाजे कभी भी खटखटा सकते हैं, और कभी भी हमारी बात को जहां मर्जी हो, जहां मर्जी ये अपनी हमारी बात को जो वो रख सकते हैं। मेरा युवाओं से ये निवेदन रहेगा कि अपना मत का जो है सही प्रयोग करें, और कुठेड़ पंचायत से 95% भाई को इस बार वोट देना हमने अपनी पंचायत से। धन्यवाद। इसके बाद भाई नीरज नीर जी आपको संबोधन करेंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे आपके साथ। मेरे बड़ा कम है लगे था जमीन का, तो मैं तो फिर उस हिसाब से मीटिंग कर ही नहीं सकता थी, तो मैं लिया एक ज्यादा टाइम है जिन्ने कर लोग आई सकते आई जाएंगे, पर मैं तो जितने भी जाए करता मैं तो हैरान है होए करता जिस हिसाब से लोग जुड़े करते हैं, लगता ही नहीं है कि जमीन का कम है, जहाँ जमीन मक्की दे घा का कम हों तो आदमी लकड़ी पाने जो भी जाते तो बड़े सोची समझी के जाते, पर इतने आए करते हैं। तो मैं बड़ा बड़ा तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता कि बड़ा कीमती समय है तुम्हें लोगों का, इस टाइम तुम लोग आए करते हैं, बड़ी बड़ी गल है जो कि मुझे पता है बड़ा भारी काम है इस टाइम लग गया था, पर क्या करना, इलेक्शन आई इस टाइम मेरे हाथ अंदर एक गल नहीं थी, तो क्या करना है, जड़ा भी होया। खैर मैं तो समझो अबे मैं कुठेड़ पंचायत इसका पहले भी आया थिया, मैं माता दे मंदिर गया थिया, ऊपर आशीर्वाद लेते हैं मैं उत्ते का, ते पैदल चली के गया सारे ग्रां ग्रां रस्ते, बड़े लोगों के मुलाकात हुई, फिर थले एक मेला भी लगता थी बड़ी माता मंदिर मेला, उत्ते भी मैं गया, तो बड़ा अच्छा मतलब माहौल होया इलाके अंदर, बड़ा अच्छा मुझे टाइम मिले जाने का, अरे तो मैं सारी जगह हुई आया था, ये तो दूजी बारी इलेक्शन के टाइम अंदर एक एक बारी तो पंचायत अंदर जाना पड़ता, तो भाई मेन मीटिंग है करे करना उइया, तो मैं पूरा नहीं आया था, कोई ऐसी गल नहीं है, इलाके करे बढ़िया तरीके करे वाकफ है, मेरी जो ये नहीं है कि कोई दिखने की जरूरत है। मैं सारे तुसा लोगों जो बस एक चीज़ बोलना चाहता कि एक बारी इस बारी कंस्टिट्यूएंसी अंदर भाजपा का विधायक है 15 साल, ये बिल्कुल सोचने समझने वाली गल है, 15 साल का हर्ष महाजन जी के जाने के बाद कोई कांग्रेस का विधायक आया ही नहीं आज तक, इसी वास्ते जड़े काम थी इसे बिल्कुल रुकी गए, ये PHC का काम भी है मेरे ख्याल मेरे डैडी ने टाइम अंदर आया थी, अबे जाई के कंप्लीट होया कुछ टाइम पहले, तुसी आपू सोची लो हर फ्रंट अंदर जड़ी भाजपा सरकार है इसे पूरे तरीके से विफल है, कोई काम नहीं कितिया, जड़ा इतने दे विधायक हैं आदरणीय पवन नैयर जी से बिल्कुल नाकामयाब विधायक रहे, BK चौहान ने अगर कम नहीं कितिया तो कुसेरा बुरा भी नहीं कितिया, ते पवन नैयर ने तो दोहरा कम कितिया, एक तो कम नहीं कितिया, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अबे भी मुझे पता लगे करता है जड़े लोग जी हैं उन्हें जो दिखना पुणा है, बाकी कुछ जो डरने की जरूरत नहीं है, जिस जो भी धमकी दे करते सरकार आई भी जाएगी जड़े भाजपा के कार्यकर्ता चले दे उन्होंने भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, असी उसेरा कोई असी बदले की भावना कने उनेरा कोई वो नहीं करना, मैं हर मंच अंदर ये बोले करता है, मैं जितने भी जाता पहली चीज ये बोलता जिस जिन्हें भी मेरे का आना है काम कराने वास्ते कोई मुजाम बनी के कोई जरूरत नहीं है कि कोई तुसी प्रधान वार्ड मैंबर कोई भी लेके आना, डायरेक्ट आई के मिनजो मिलो करे डायरेक्ट आओ मेरे का, ये जरूर है वे इन्ने सारे चेहरे हैं मुझे ना ते शक्ल का पहचानना मुश्किल है, पर तुसी एक चीज़ बोली सकते जनाब असी आए थे तुम्हारे वोट पाने जो इतने लेंटर ऊपर मीटिंग की थी मैं पता लग जाना मुझे मेरा ठीक है ना, अभी तुसी मुझे बोल गए कि एकदम मैं ना का पहचानी लाने सारे से तो मुझे मुश्किल भी कांग्रेस मेरा वो कोई चक्कर नहीं है, जिसेरा मैं काम कर सकता मैं फ़ोन भी करना मैं कोशिश भी करनी,
पुराने धमकाने की तुसा गल करता तो मैं तुसा कने अंग संग खड़ा है कोई नहीं कोई गल है जे मैं भी कल जो विधायक भी बनी जाऊंगा मंत्री भी बनी जाऊंगा तो मैं क्या करी लाना मैं भगवान बनी जाना तुम आपू खाते आपू कमाते उल्टा तुम्हारी जरूरत है मिंजो पहली गारंटी ये है कि जड़े हमारे इम्प्लॉयज हैं सरकारी जड़े इम्प्लॉयज हैं उन्हें जो पेंशन दोबारा जड़ी है वो बहाल करनी है तो सरकार बनने बाद जड़ी पहली कैबिनेट मीटिंग होनी है उस अंदर ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम उस अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम जड़ी है वो असी चालू करनी है पहली गारंटी कांग्रेस की दूसरी गारंटी ये है कि 1500 रुपए महीना हर महिला जो जे 18 साल का 60 साल की उम्र तक चाहे एक घरे अंदर एक है दो है तीन है चार है 1500 रुपए महीना जड़ी है कांग्रेस पार्टी ने हर महिला जो दाना है बशर्ते वो कोई होर पेंशन ना लिंदी होए कुदे का या होर उसेरी कोई इनकम दे ही होए इनकम टैक्स पे ही होए सिर्फ एक फार्मा इन मैं इतने फॉर्म छड़ी आनी ये फॉर्म इन इतने मुंडे का छड़ी आनी इस जो बिल्कुल सीरियस तरीके करने भरो जे पंचायत अंदर वार्ड अंदर पांच पांच लेडीज जो भी पेंशन लगी जाएंगी तो बड़ी बड़ी गल है तो इन्होंने पूरा पता करना है तुम्हारे का कि भाई क्या इनकम है क्या फैमिली सपोर्ट सिस्टम है तो उस दे आधार पर ये है ये जड़ी पेंशन है ये लगनी है ये कांग्रेस पार्टी की दूजी गारंटी कांग्रेस पार्टी की जड़ी तीजी गारंटी है वो है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त किन्ने 300 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त होगी कांग्रेस पार्टी की तीजी गारंटी कांग्रेस पार्टी की जड़ी चौथी गारंटी है 5 साल अंदर 5 लाख नौकरियां 5 साल अंदर 5 लाख नौकरियां जड़ी आवे तुसी इत्थे बोलदे भाई डॉक्टर नहीं है स्कूल अंदर टीचर नहीं है पीएन नहीं इन ये सारी पोस्टा खाली इन पे दिया ते कांग्रेस पार्टी बोलदी है कि सरकार हमारी बन गई ते जड़ी खाली पोस्टा इन सरकारी पहले असी वो भरनिया उसके बाद फिर जड़ी आउटसोर्स की नौकरियां हैं उस अंदर जड़े नौजवान इन असी भर्ती करने हैं ते आउटसोर्स की नौकरी अंदर जड़े प्राइवेट ठेकेदार हैं ना पर विधानसभा क्षेत्र 68 विधानसभा है हिमाचल अंदर 680 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया पर विधानसभा जड़े हमारे नौजवान साथी है जिया कुनी दुकान किराए पर लिती कोई काम करना चाहता राशन की दुकान ही खोलना चाहता 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया राशन पवाने वास्ते ब्याज मुक्त लोन मिलना बैंक का जिस अंदर ये हमारी पांचवी गारंटी है कने चार इंग्लिश स्पीकिंग जड़े सीनियर पार्टी ने बोला है वो खोलने ये भी कांग्रेस ने एक गारंटी दी है एक गारंटी ये है कि जड़े ग्रां अंदर जिया तुसा दी गोबर हुंदी उइयां तो अपने खाद अंदर इस्तेमाल हुंदी जे एक्स्ट्रा हुंदी तो 2 रुपए किलो जड़ी है सरकार ने नहीं अभी तो प्योर ही हुंदी जी घर सारे पढ़े लिखे दे लोग इन 10 गारंटी है मुख्य मेन जड़ी इनसे मैं तुसा जो पढ़ी रखी है तो 15 साल का चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर 15 साल का भाजपा का विधायक है तो मैं बोलता इस बारी बड़ा अच्छा मौका है कांग्रेस के विधायक जो चुनो इत्ते का कने कांग्रेस की ही सरकार आनी तो इलाके का भी उत्थान होना इलाके का भी फायदा होना बाकी कुठेड़ अंदर 2-4 समस्या है जड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है एक तो ये सड़क जोड़नी है लिल करना उस साइड एक बनागी माता मंदिर वास्ते सड़क है भोले का मंदिर भी मैं हो आया था बड़ा अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी है ऊपर मैं दिखी के आया गल है कि सारे मुंडिया जो रोजगार देना तो सरकार दे बस की गल नहीं है भाई सच्ची जी गल है पर एक गल है ये सड़क बनी जाएंगी तो टूरिस्ट स्पॉट बनी जाने तो उत्ते दुकाना भी खुली जाने उत्ते ढाबे भी खुली जाने उत्ते फोटो खिंचने वाले भी आई जाने उत्ते पैराग्लाइडिंग वाले भी आई जाने तो लोगों जो रोजगार पैदा हो जाता होता कि नहीं अभी तुम बोल गए कि मैं एक आगे। 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 आगे।
पानी खंडी खंडी।
जली गई मेरी तेरी टोपी है तो उम्र भर ही सारा बोल रहे हैं। और भी मतलब जगह जगह पंचायत आए हुए बंदे का मैं दो हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। नमस्कार। हमारे डैडी श्री अश्विनी कुमार जी ने, हमारे भाई भानु प्रताप जी ने और समस्त जो हमारे गांव के थे, हमारे ताऊ कलासन जी, सब उन्होंने हमने सबका उनका वेलकम किया था यहाँ पे। अब देखो मेरी बात सुनो कि अगर वो हमारे साथ अगर छोड़ के चले गए वो, ठीक है, अगर वो खड़े कराओ किसने लगाना है वो उधर। और हमने ये बताना है कि कांग्रेस है, रहेगी और उम्र भर रहेगी। बोले नागराज की, बोले कली माता की, विकास की बात रही तो विकास के बाद चंबा में आएंगे। चंबा में आने के बाद जिसकी भी जिसकी जिस जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम होगी, हमारी जंगी पंचायत में श्री व्यास देव जी से बात करना, श्रीमान धर्मेंद्र जी से बात करना, और जो भी हमारे हमसे बड़े हैं उनसे बात करना। इनसे नहीं होगा तो हमसे बात करना, फिर यंग यूथ में हमसे बात करना, ठीक है जी, ठीक है ना। नीरज नैयर जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, चोरों की सरकार को। ब्रेव वार्ड के जो हमारी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग और मेरे साथ मंच पर सारे बैठे हुए, मेरे पिताजी के टाइम के साथी और पूर्व प्रधान धर्मेंद्र जी, हमारे पापा के टाइम के बचपन में छोटे छोटे होते थे, चैन लाल जी, वेद व्यास जी और भाई साहब नाम देवदत्त जी, ये लोग इतने पुराने हैं। जब मैं शायद 6-7 साल का था तो तब से ये चेहरे जो हैं जाने पहचाने लगते हैं हमारे साथ। यहाँ हमारे दो दिन पहले भाजपा छोड़ के जो है ये कांग्रेस में आए हैं, और इनकी जो पत्नी है वो भी अभी सिटिंग वार्ड मेंबर है, तो बहुत बड़ी बात है। और ये भाजपा के एक बहुत पुराने जो हैं, महारथी जैसे बोल सकते हैं, रहे हैं। और अगर वो भाजपा छोड़ के आए हैं तो कुछ विधायक जी के अंदर बहुत जी का डंडा कौन नहीं जानता, तो ये भी परिवार जो है कांग्रेस पार्टी से हमारे रहे हैं। बशीर जी हैं, मना बोली अंदर बस के जितने हमारे साथी हैं। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि बड़ी खुशी होती है कि इस जगह में पिताजी आए, और कैसे निचले रास्ते आए होंगे, राम जाने भगवान जाने कि हम पूछे उड़े। चलो बड़ी बट चलो अभी तो सड़का पूजी गई ऊपर कुठेड़ भी वो सरदारी बाबू तो क्या करेंगे। पहले सबसे पहले तो ये करेंगे, जिस सड़क से उतरे हैं इसको रिपेयर करवाएं, जो ये सड़क बनी हुई है इसको हम रिपेयर कराएंगे सबसे पहले। और आपके यहाँ से वार्ड मेंबर कौन है? वार्ड मेंबर एक हो ना हो, मैं अगर आपने मेरे को पिछले 3 साल में ये काम दिया होता तो मैंने अभी तक करवा देना था, मैं मजाक नहीं करता। मैंने बहुत काम कराए, आपने बताया नहीं मेरे को इस सड़क के बारे में, मैंने अभी तक करवा देनी थी। क्योंकि चलो विधायक बनने के बाद क्या, विधायक बनने से पहले इस जो सिटिंग विधायक है उससे ज़्यादा काम मैंने करवाए हैं, इनके
इनके राज के अंदर करवाए हैं, क्योंकि काम कराने का तरीका होना चाहिए, सिर्फ बोलने से काम नहीं होता है, कहाँ से क्या काम होना है आपको पता होना चाहिए। तो मैं ये वार्ड मेंबर जी से बोलूँगा कि अगर आपने इसको शेल्फ में डाला है, इसको पूरे काम को नहीं नहीं आप डलवा देंगे ना, सुनो मेरी बात, और बाकी जो मटेरियल कॉस्ट है, जितनी भी जो मटेरियल है, क्योंकि वो मिलता नहीं है, अवेलेबिलिटी उसकी 8-8 महीने बाद, 9-9 महीने बाद जो है सीमेंट मिलता है कुछ है, तो उसका जो पैसा है, बाकी जहाँ तक आपने ये सड़क की बात की कही है, तो जो भी उस अब आने वाले वक्त के अंदर हमारे एक्सचेंज जो भी होंगे, मैं उनसे बात करके और अपने वेद व्यास जी हो गए और आप सारे यूथ जो हैं यहाँ के, मैं ड्यूटी लगाऊंगा उनकी, और यहाँ की जो मेन लोग हैं आपका जो है छापे लगवा देंगे, सर्वे उसमें देखेंगे कि, तो फिर आज नहीं ये हो गया तो फिर बनेगी जो नहीं, सड़कें तो आजकल बनी रही हैं। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी हमने पलियूर के अंदर की सड़कें सेंक्शन करवाई, ये जो साव वाली सारी वाइडनिंग है ये हमने करवाई, ऊपर जमार की करवाई, खजा उधर जो जमारनी पर वो ऊपर जोत वाली रोड है, ये सड़कें मैंने कराई हैं। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि RTI लो और पता करो कि किस टाइम की वो सेंक्शन है, आपको पता लग जाएगा। किसी के बोलने से तो कुछ नहीं होता, ये जो कार्यक्रम होते हैं सड़कों के, ये निरंतर कार्य, अगर यहाँ अगर गवर्नर रूल भी लग जाएगा तब भी सड़कें बनेंगी, मेरे बोलने से नहीं बननी है, ये बननी ही बननी है। आम आदमियों को इस चीज़ का पता नहीं होता है, ये वर्ल्ड बैंक एडिड स्कीम्स हैं, अगर ये सड़कें नहीं बनेगी तो दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है सारी रुक जाएगी। सिर्फ MLA ये कर सकता है प्रायोरिटी में कि पहले यहाँ बना दो और बाकी 2 साल बाद फिर वहां बनेगी, रोक नहीं सकते हैं इनको, ये सड़कें बननी है, सारी बननी है। मैं रहूं ब्रिज पुल, ये ऐसे काम है जिसके अंदर MLA का जो रोल है बहुत कम होता है, PWD के XCN का रोल होता है, और जो लोकल जो लोग मांग लेके जाते हैं कि भाई हमारी सड़क बनाओ, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो सड़कें बन जाएंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों ने ये करना है कि जब भी छापे छुपे लगेंगे, तो अगर कोई प्राइवेट लैंड आ रही है, कुछ आ रहा है, तो ज़मीन आप PWD डिपार्टमेंट के नाम पे जो है वो ट्रांसफ़र करा दो। वार्ड मेंबर आपका भी है नहीं यहाँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और एक और बात है, मैं तो उसमें बोलना चाहता कि BJP कांग्रेस से कोई चीज़ नहीं होती, गरीब आदमी वास्ते कोई BJP कोई कांग्रेस नहीं है, सारे का काम करना है, सीधी यही गल है, कोई BJP कांग्रेस, मैं थोड़ी तुझे जबरदस्ती डराई धमकाई के बोली सकता, हाँ जी मेरा नाम नीरज नैयर है, हाँ मेरी इज्जत करो, मुझे हार पवाओ, ये तेरा ये वाला हाल है। ये जबरदस्ती मांगी नहीं जाती है, दिल से की जाती है, दिल जीतने पड़ते हैं इज्जत के लिए, ये नहीं करता कोई इज्जत। तो बाकी जादी की कोठेड़ वाली साइड ऊपर मैं मंदिर तक गया, मुझे पता लग गया कि हमारे वेद व्यास जी ने बड़ा भारी, मैं बोलता इतना हमारे हिमाचल के अंदर, तो एक बड़ी खूबसूरती की बात है कि हमारा जो है पिलग्रमेज, अंग्रेजी अंदर पिलग्रमेज बोलते हैं, हिंदी अंदर बोलते बनागी माता मंदिर है। यहाँ मैं गया और देखो भाजपा के अंदर कैसा कलेश पड़ा है, ऊपर वाले का माता का आशीर्वाद है, पता है मैं कई मंदिरों में गया ऐसे, सिर्फ यहाँ नहीं, मैं कई मंदिरों में गया, मैं दिगन पाल महाराज जी के वहाँ जातर थी ऊपर धारकंडा रेजिंड से ऊपर, मैं उत्ते भी गया, पैदल चली गई, तो मुझे दस्या कि बोलिया जी किशोरी लाल जी आए थे, उसके बाद अज तुसी आए, बड़ी खुशी हुई मेरी। मैं बैली पंचायत अंदर एक बैली वार्ड अंदर गया, बोले कुलदीप पठानिया आया थी 15-20 साल पहले, आज तुसी आए, पहले अच्छा यार बड़ी हैरानगी की गल है। मैं सोचता थी कि सारे MLA जड़े, मैं तो कभी इलेक्शन लड़ी नहीं, ना चुनाव लड़े, ना लड़ने थी है। मेरे पिताजी मुझे बोलते, मुझे तो पहली पंगाई लै, तो लोगों ने खुश नहीं होना, तो जो बाद अंदर जो मर्जी कर लै, तो देखो उन्होंने मुझे खड़े नहीं होना दिया उस टाइम 15 साल पहले, मुझे क्या पता थी कि 15 साल बाद जहाँ उन्होंने नहीं होनी, क्योंकि सारे काम नहीं कराई सकते, लोग नाराज हो जाते, पर जे तुम्हारे दिल अंदर सच्चाई है, तुम आदमी जो समझाई सकते भाई मैं तो कितिया थी, अभी ये ज़्यादा जरूरतमंद थी मेरे हिसाब करने, तुम थोड़े कम थी इस हिसाब करने, गल गप लाई के कम बनी आती, पर जे तुम्हारी झूठ करने करना है तो फिर ये हालात होने ही थे जड़े अज विधायक दे हुए करते, क्योंकि जीतने के लिए बोला ही झूठ है सारा, इन्होंने तो इन्होंने 4-4, 5-5 हज़ार रुपये महीने पर मुंडे रखी दे, तो बोली दो जी हाँ जी तुसा जो मैं मेरी पक्के करी देना अगे आए के अपने पैसे के नहीं, तो फिर जीती गए तो मेरी बाहर कटी देना इसका आशीर्वाद रहा, क्योंकि पॉलिटिक्स है, इलेक्शन है,
जब तक इलेक्शन जीतते नहीं है हम जीत अपनी पक्की नहीं मान सकते। आप लोगों को सबको मैं हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहूँगा, जितना यूथ और मेरे बुजुर्ग यहाँ इकट्ठे हैं, आपने मैं आप लोगों से मैं तुसा का बस 20 दिन तुम मुझे दे दौ दिला करें तो मैं तुसा जो 5 साल दी गए वादा करता। 20 दिन जड़े मेरे वास्ते बड़े जरूरी हैं, मैं इतने का चली आना फिर इलेक्शन तक। तो मैं चाहता कि आसे पासे भी तुसा लोगों की रिश्तेदारी है वो मैं बोली देते हैं जनाब, मैं बोली देते हैं रोड ओ बस 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 मैं रोड का भी मैं जे तुसी मिंजो 2 साल पहले मिले, सुनो मेरी गल ना, तुसी मिंजो रोड वाली गल नहीं, तुसी मिंजो मंदिर वाली गल बोली थी, तो मंदिर का काम थी यार, रोड वाली गल तुसी मिंजो कभी नहीं बोली। सालों से रहे हैं और पार्टी में और आज जो है ये कांग्रेस परिवार में
सम्मिलित हो रहे हैं। तो श्यामू जी, मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूँ आज कि आज आप इतने, आपने एक बड़ा फैसला लिया और एक पार्टी से इतने सालों से जुड़े हुए थे, और ये एक बहुत बड़ी बात होती है एक पार्टी को छोड़ना। तो आप खुद सोचो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछले 5 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की दिशा है और दशा है वो आपके सामने है। हाल ही में हमारे BDC कहाँ गए हैं? राकेश जी, हमारे रमेश जी जो है BDC है इधर सिंगी और ओडा से, ये भी भाजपा के बड़े भारी कर्मठ कार्यकर्ता और कई सालों से जो है भाजपा के समर्पित जो है कार्यकर्ता रहे हैं, और इन्होंने भी अभी फिलहाल 2 दिन पहले जो है भाजपा छोड़ के ये कांग्रेस में आए हैं, और मैंने इनका स्वागत किया, और ये मेरे साथ डोर टू डोर जो है कैंपेनिंग करने चल रहे हैं। और इनकी मिसेज जो है अभी, ये खुद BDC है और इनकी मिसेज वार्ड मेंबर है, सेटिंग वार्ड मेंबर है, और भाजपा से ये भी ज्वाइन किया है। तो मैं आप दोनों को एक चीज बोलना चाहूँगा कि आपने कोई घाटे का सौदा नहीं किया है, मेरी एक बात याद रखना, मैं एक समर्पित, मैं पार्टी बाजी से उठ के ऊपर आदमी, काम करने वाला आदमी हूँ। जिस आदमी को भी ज़रूरत है, चाहे भाजपा की है चाहे कांग्रेस की है, काम उसका होना चाहिए, मैं इस चीज़ में मैं विश्वास करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले 20 दिन के अंदर आप मुझे, श्यामू जी और राकेश जी, आप मुझे 20 दिन दो, मैं आपको 5 साल दूंगा, बस ये मैं बोलना चाहता हूँ। मैं पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को और चंबा डिस्ट्रिक्ट के हमारे सारे साथियों को, मेरी चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे साथियों को मैं दीपावली की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। दीपावली का जो त्यौहार है वो अंधेरे में उजाले का जो है प्रतीक के तौर पे माना जाता है। तो मेरे, मैं ऐसा मानता हूँ कि भाजपा की सरकार जो है, जो 12 दिसंबर को जो 12 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें जो ये अंधेरा जो पिछले 5 सालों से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर छाया हुआ है, मेरी आशा, मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि दीपावली है और इस चुनाव के बाद जो है हमारा प्रदेश जो है उजाले की तरफ जो है अग्रसर होगा, और यही मैं सोचता हूँ सबसे बड़ी दीपावली की मेरे सारी साथियों को यही जो है मुबारकबाद होगी। मैं गुजारिश करता हूं श्यामू भाई से कि कुछ शब्द ये भी बोले। मैं शाम दिन एक्स उप प्रधान ग्राम पंचायत जंगी, मैं अपने सभी ग्राम पंचायत जंगी के जितने भी नौजवान साथी मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, और ख़ास कर मैं नीरज नैयर जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारी पंचायत का दौरा किया और हमें कांग्रेस की उपलब्धियां बताई और हमें अपनी पार्टी में जो है वो सम्मिलित किया। बाकी दोस्तों, बात ऐसी है कि मैं एक सच्चा भक्त भारतीय जनता पार्टी का था। आज 5 बजे तक, लेकिन सुबह हमारे आदरणीय विधायक जी की वाइफ यहाँ पे आई, लेकिन उसने हमें पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता नहीं समझकर किसी विशेष एक घर में बैठकर तो राख में चली गई। लेकिन हमें रोष है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी भ्रष्ट पार्टी हो चुकी है कि रात को किसी और को टिकट देती है और सुबह वो टिकट किसी और को बदला जाता है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी नीतियां हैं कि जो एक बेकरी के ब्रेड की तरह हो चुकी हैं कि आज किसी दुकानदार को देकर जाओ और सुबह बदल कर उसका दूसरा ब्रेड ले लो। मैं भारतीय जनता पार्टी को चेताना चाहता हूं कि आपने एक नारा बनाया हुआ है कि मोदी योगी का एक ही नारा की विकास की धारा। मैं बोलता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कर्मठ कार्यकर्ताओं, आपकी भूल है। मैं ये नारा कांग्रेस में जाकर लाना चाहता हूं कि योगी मोदी का एक ही नारा, ना घर बसा हमारा और ना बसने जिंदाबाद। हम आज से नहीं थे भारतीय जनता पार्टी में, हम माननीय किशोरी लाल के टाइम से भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन आज पवन नैयर जी ने जितना हमारा शोषण किया है 5 साल में, इतना कोई दुश्मन में नहीं करता है, क्योंकि हमें इतने तक बोला
कि आप तो बीके चौहान के आदमी थे, क्या वो बीके चौहान हमारा गांव का इंसान नहीं था? क्या वो एक आईएएस इंसान था? उसके बराबर विधानसभा में कोई नहीं बैठ सकता था। लेकिन पवन नैयर जी, आप अनपढ़ों को अनपढ़ ही रखना चाहते हैं। ये वो कांग्रेस है, लालू भाई राजनीति, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस है, ये माननीय इंदिरा गांधी की कांग्रेस है, जिन्होंने हवाई जहाज तक बना दी। और आप बोलते हैं कि कांग्रेस ने बनाया ही क्या? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिन फॉर्च्यूनर गाड़ियों में आप चलते हैं, वो किसकी देन है? वो कांग्रेस की देन है। ये 2014 से इधर ही आकर नहीं गाड़ियां बनी है, या हवाई जहाज नहीं बने हैं, या मशीनें नहीं बनी है, ये माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर और मनमोहन सिंह तक जो है सब काम भारत में हो चुका था। आपने तो सिर्फ ठप्पा लगाने का काम किया। इसी के साथ मेरी सब चंबा की जनता से गुजारिश है कि एक ईमानदार, एक स्वच्छ छवि वाले नेता, और मैं तो अपने जगह भी अपने लोगों को कहता हूं कि हमारे जो है पिछले माननीय सागरचंद नैयर जी आज स्वर्ग में है, श्री किशोरी लाल जी स्वर्ग में है, उन नेताओं को छोड़कर अगर दूसरा कोई नेता आया है बीके चौहान को छोड़कर, तो नीरज नैयर जी आए। अगर इस बार भी हम भूल कर जाएंगे तो दोस्तों 20 साल श्री रामचंद्र जी ने 14 साल वनवास के काटे थे, हमने 15 साल काट दिए हैं। अगर आगे भी वनवास काटना है तो मर्जी आपकी है, फैसला आपके हाथ में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, समूह भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीरज भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्ते नमस्ते बड़े भाई की जय। पंडित जी की बहन है, आपको कोई धमकी है, मैं ये करूँ।